व्यापारी बाबा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बाबा की दिक्कत यही है दोस्तों कि इनका व्यापार अभी मंदी में चल रहा है। दरअसल लाला रामदेव की कंपनी पतंजलि के शेयर्स भी आजकल गिर रहे हैं, ठीक अडानी की तरह। लेकिन अडानी साहब तो थोड़ा चुप हैं, लेकिन लाला रामदेव इन दिनों खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया में धर्म की आड़ में अपना धंधा ऊपर करने के लिए मुस्लिम ईसाई धर्म के लिए हेट स्पीच का गेम शुरू कर रहे हैं। खबर व्यापारी बाबा रामदेव की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुन्ना और आप देख रहे हैं द कंटा। राजस्थान के बाड़मेर में हिंदू नेताओं की एक सभा में रामदेव को ये कहते हुए सुना जा सकता है, ये वीडियो सुनिए पहले। से पूछो थारो धर्म क्या कहे, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो फिर जो मन मा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का मानना है कि नमाज हिंदू लड़कियों के अपहरण और आतंकवाद सहित सभी पापों को धो देती है। वहीं ईसाई धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि चर्च में जाओ, मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। क्या कोई इनसे सवाल करेगा कि जिस तरह से आप धर्म को लेकर इस तरह बात कर रहे हैं, आप कहां जाएंगे? आप माफी मांगने आप कहां जाएंगे? इस तरह लोगों को धर्म के लिए भड़काना क्या सही है? इसके लिए आप पश्चाताप करने के लिए कौन से मंदिर जाएंगे या कहां पर खड़े होंगे? राजस्थान के बाड़मेर में दरअसल एक सभा के दौरान रामदेव ने यह दावा किया कि दोनों समुदाय को धर्मांतरण का जुनून है। क्या कोई इन्हीं से पूछेगा कि इनको किस बात का जुनून है कि ये धर्म को लेकर भरी सभा में ऐसे अनाप शनाप ऐसे भड़काने वाले बयान लोगों के बीच दे रहे हैं? वही इतना घटिया वे बोलते हैं। मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ कि अपहरण आतंकवाद अपहरण करते हैं मुसलमान लोग। वही सोशल मीडिया में दोस्तों वायरल ये वीडियो तब से वायरल होने लगा है। वो कहते हैं इसमें जो चीज वायरल हो रही है उसमें ये कहा गया है कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। अगर मुसलमानों से हम पूछेंगे तो वो ये बोलते हैं कि बस 5 बार नमाज पढ़ो फिर जो मन में आए वो करो। ये वीडियो का ये हिस्सा सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, उसी बाबा रामदेव का। और वो कहते हैं कि इस्लाम का मतलब नमाज होता है। उसके बाद बहुत पाप करते हैं हमारे मुस्लिम भाई। देखिए किस तरह से ये जवान किस जवान से लाला रामदेव जो अपने आप को एक बाबा कहते हैं, एक अध्यात्म या धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वह ऐसी बात बोल रहे हैं। आपको बता रहे दोस्तों कि इससे पहले भी मैंने ये वीडियो किया था जिसमें ये बात आपको बताई थी कि किस तरह से बाबा रामदेव मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अब वो मुसलमानों के साथ साथ ईसाई धर्म के बारे में बोल रहे हैं। ईसाइयों के संबंध में बाबा रामदेव ये कहते हैं कि ईसाइयों में वो इधर यानी क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे हैं, जैसे हमारे यहाँ स्त्रोत सूत्र मंत्र होते हैं वैसे उनके भी कुछ होंगे। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग उसी को सब कुछ मानते हैं, उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या कोई इस बाबा रामदेव से जिनका दिमाग पूरी तरह नष्ट हो चुका है कि क्या उन्हें कोई बताएगा कि सभी के धर्मों में अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग तरह से वो लोग चीजें पहनते हैं या कोई चीज मानते हैं। और इस बाबा रामदेव का दावा था कि हिंदू धर्म अहिंसा और ईमानदारी सिखाता है। आपको बता रहे दोस्तों कि केवल एक हफ्ते पहले मुंबई में एक हिंदूवादी नेता हिंदुओं को हथियार उठाने और मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए उकसा रहे,
लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात यही है कि इतना सारा बयानबाजी भरी सभा में इस तरह भड़काऊ बयान या किसी भी धर्म की इज्जत ना करने वाली ये जो वीडियो है, इसके लिए इस बाबा रामदेव को कोई भी सजा नहीं हुई अभी तक। इतना छोड़िए, अभी तक इनके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं इसी बीच में उन्होंने मुसलमान और ईसाई धर्म को अपमानजनक कहकर काफी अपमानित किया और अपने धर्म को सही बताकर मुसलमानों के धर्म को और उसके साथ साथ ईसाई धर्म को नीच तरह से दर्शाया है इस वीडियो में। और यही दिखाने का और लोगों को यही सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बस हम ही हिंदू अच्छे हैं, बाकी ये मुसलमान और ये ईसाई ये लोग कुछ नहीं है। आपको बता दें, नवंबर 2022 में उन्होंने कहा था कि आप साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता, जिन्होंने उनका एग्जांपल दिया था, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है वो, उनकी तरह अच्छी लगती है और मेरी तरह से कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती है। जी हाँ दोस्तों, बाबा रामदेव का ऐसा घटिया बयान या ऐसा घटिया सभा में बोलना पहली बार नहीं है, इससे पहले उन्होंने यही बयानबाजी की थी और महाराष्ट्र के उस आयोग ने उन्हें इस बयान के लिए नोटिस जारी किया, जिसके बाद उन्होंने माफी मांग ली थी दोस्तों कि मैं ये दिमाग पागल होने की वजह से कह रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे मंच पर ही मौजूद थे दोस्तों उस समय जब उन्होंने ये घटिया ये गंद बयान दिया। अब आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ने अदालत में रामदेव के खिलाफ, इसी बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। वह शिकायत में कथित तौर पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, क्योंकि उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है कि ये हमारे साथ गलत हुआ, हमारे धर्म को गलत बोला गया। मुस्लिम समुदाय और इस्लाम समुदाय के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है, उनकी किस तरह भावना आहत हुई, इस बारे में उनके लिए कौन बोलेगा, क्योंकि सभी लाला रामदेव के चमचे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि लाला रामदेव आजकल इस तरह के गेम प्लान इस धर्म को लेकर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके शेयर्स इन दिनों काफी धड़ाम से गिर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किस तरह ये बाबा रामदेव ये लाला जिस तरह से अपना व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार को नीचे न आने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचना कितना सही है। और द कंटाप को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।